क्या कैसे को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाइए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि YouTube पर डिसलाइक मॉब क्या होता है, क्या हुआ जब YouTube ने खुद डिसलाइक मॉब एक्सपीरियंस किया, और फिर मैं आपको अपना एक वीडियो दिखाऊंगी जो डिसलाइक मॉब फेस कर चुका है। हेलो नमस्ते, मेरा नाम एकता है। डिसलाइक मॉब क्या होता है? जब कुछ लोग मिलकर किसी वीडियो को YouTube पर डिसलाइक करते हैं, वजह जो भी हो, YouTube की टर्मिनोलॉजी में उसे कहते हैं डिसलाइक मॉब। अब YouTube ने खुद डिसलाइक मॉब फेस किया है जब उनका वीडियो YouTube रिवाइंड लाखों लोगों ने मिलकर डिसलाइक किया। आइए आपको इस वीडियो के स्टेटिस्टिक्स या आंकड़े दिखा देती हूँ। ये है YouTube रिवाइंड जो हर साल दिसंबर में आता है और साल के टॉप वायरल वीडियोस और क्रिएटर्स इसमें फीचर होते हैं। आप में से कई लोगों ने इसे देखा होगा। यहाँ देखिए इसके स्टेटिस्टिक्स पर ध्यान दें तो 2.5 मिलियन लाइक्स हैं और 15 मिलियन डिसलाइक्स हैं, यानी कि 6 गुना से भी ज्यादा डिसलाइक्स। इस वीडियो पर इतने ज्यादा डिसलाइक आए कि ये YouTube का मोस्ट डिसलाइक्ड वीडियो बन गया। YouTube की पूरी हिस्ट्री में इससे ज्यादा कोई भी वीडियो डिसलाइक नहीं किया गया। मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी, आप इसे देख सकते हैं अगर आपने इसे पहले से नहीं देखा। अब YouTube ने खुद डिसलाइक मॉब अपने आप एक्सपीरियंस किया तो उन्हें समझ आया कि उनके प्लेटफॉर्म पर ऐसी हरकत हो सकती है। अब जाहिर सी बात है कि इस वीडियो में शायद वो बात नहीं थी, लेकिन इस वीडियो के लाइक टू डिसलाइक रेशियो ने YouTube को सोचने पर मजबूर कर दिया। ये एक और एग्जांपल देख लेते हैं जो कि है जिलेट की एड। अब इस एड में टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को लेकर एक मैसेज है जो कई पुरुषों को अच्छा नहीं लगा। और यहाँ पर भी देखिए, अगर आप स्टेटिस्टिक्स पर ध्यान देंगे तो लगभग 7.7 लाख लाइक्स हैं और इससे डबल यहाँ पर डिसलाइक्स हैं। अब इधर कोई वजह तो है जिसकी वजह से लोगों ने इसे डिसलाइक किया है, लेकिन कभी कभी ये इतना ऑब्वियस नहीं होता कि आखिर लोग किसी वीडियो को क्यों डिसलाइक करते हैं। मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है अपने एक वीडियो में। जैसे ही मैंने ये वीडियो लाइव किया, कुछ ही मिनट्स में हजारों डिसलाइक आ गए। आइए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है मेरा एक वीडियो, YouTube म्यूजिक ऐप का ट्यूटोरियल है, पर अगर आप ध्यान देंगे आपको स्टेटिस्टिक्स दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये वही वीडियो है और यहाँ पर 493 लाइक्स हैं और डिसलाइक्स पर ध्यान देंगे तो 3200 से ज्यादा डिसलाइक्स हैं। अब अगर हम डिसलाइक्स को ध्यान से देखें, मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ और नीचे जाते हैं, ये देखिए जो डिसलाइक्स आ रहे हैं वो ऐसी कंट्रीज से आ रहे हैं जो कि हिंदी बोलते ही नहीं, हिंदी समझते ही नहीं। ये देखिए, ये सब रेड्स में है डिसलाइक, और अगर इंडिया का मैं एग्जांपल लूं तो यहाँ पर ज्यादातर ग्रीन है, यानी कि ज्यादातर लोगों ने इस वीडियो को पसंद किया है, लाइक किया है, और माइनॉरिटी ने इसे डिसलाइक किया है। अब मुझे आज तक ये नहीं समझ आया कि इतने सारे डिसलाइक इस वीडियो को क्यों मिले। इसमें ना तो कुछ खराब था और ना ही मैंने कुछ गलत कहा। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और आप इस वीडियो को देखकर डिसाइड करिए कि इसे इतने डिसलाइक क्यों मिले। पर मेरी राय क्या है, मुझे लगता है कि YouTube के एल्गोरिदम ने ये वीडियो गलत कंट्रीज में सजेस्ट कर दिया, और जब वो लोग इसे खोलकर देख नहीं सके, समझ नहीं सके, तो उन्होंने सबने डिसलाइक कर दिया। पर मेरा यहाँ पर YouTube से एक सवाल है, इसमें मेरी क्या गलती है? इतने डिसलाइक मिलने से मेरा वीडियो अब ना तो सजेस्ट होता है और ना ही इसमें कोई इनकम होती है। डिसलाइक मॉब की वजह से मेरा एक वीडियो बिल्कुल भी नहीं चला। अब YouTube रिवाइंड के डिसलाइक मॉब से एक चीज तो क्लियर हो गई, YouTube कंपनी ने खुद रियलाइज कर लिया है कि कैसे कभी कभी लोग एक साथ डिसलाइक करते हैं। इसलिए अब डिसलाइक मॉब्स को काउंटर करने के लिए वो कुछ स्टेप्स लेने वाले हैं और डिस्कशंस और चर्चा जारी है। मैंने अक्सर नोटिस किया है कि अभी वीडियो अपलोड ही नहीं होता और कुछ लोग एक मिनट के अंदर अंदर उसे डिसलाइक कर देते हैं। मेरे हिसाब से ये अलाउड नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने वीडियो देखा ही नहीं तो उसे डिसलाइक करने का हक या राइट उसको क्यों दिया जाए? कम से कम पहले वीडियो देख तो लो,
अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक करो, लेकिन बिना देखे उसे डिसलाइक करना ठीक नहीं है। अगर आप YouTube क्रिएटर हैं या YouTube से पैसे कमाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर 90 वीडियो हैं। आप ये वीडियोस देखकर YouTube के बारे में सब कुछ सीख सकते हैं और YouTube से पैसे कमा सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको फायदा होगा। YouTube पर लाइक का बटन जरूर दबाइए और वीडियो को उन सब के साथ शेयर करिए जो इससे फायदा उठा सकते हैं। क्या कैसे देखते रहिए और सीखते रहिए। मैं हूँ एकता। थैंक यू। धन्यवाद।